नमस्ते, मैं हूं पायल रोहतगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ ऑन द अपडेट्स जो हम देखेंगे ओवर द डेथ इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। क्योंकि जब से सीबीआई आई है बहुत सारे अपडेट्स हो रहे हैं, मगर जब कंगना का ऑफिस को डिस्ट्रॉय किया गया, शिवसेना ने जिस तरह से कंगना के ऊपर पर्सनल अटैक किया गया, सुशांत सिंह राजपूत के मामले के ऊपर मैं आपके साथ ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मैं ऑब्वियसली बहुत ज्यादा दुखित थी जिस तरह से कंगना के ऊपर एक पर्सनल अटैक किया महाराष्ट्र सरकार ने, और जिस तरह से शिवसेना इज जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी एरोगेंट एंड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनके कुछ नेता नेतागिरी नहीं बल्कि गुंडागिरी कर रहे हैं। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट सुशांत सिंह राजपूत एंड उनकी जो सीबीआई लेड इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बहुत सारे जस्टिस के कैंपेन्स चलाए गए, जैसे यू नो प्लान्स फॉर एसएसआर, ग्लोबल प्रेयर्स फॉर एसएसआर, और ये सारे कैंपेन्स सुशांत सिंह राजपूत की सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने करे, एंड दे हैव बीन सपोर्टेड बाय लॉट ऑफ पीपल हु आर ऑब्वियसली वॉन्टिंग जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। मगर सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के रिलेटेड एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। सीबीआई ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दे आर वेटिंग फॉर द एम्स डॉक्टर्स टू गिव वर्डिक्ट वेदर इट इज अ होमिसाइड, वेदर इट इज अलेज्ड सुसाइड, क्योंकि बहुत सारे थियोरीज तो अभी तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, मगर वी हैव नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द सीबीआई हैज कंक्लूडेड, बिकॉज सीबीआई हैज नॉट गिवन अ कंक्लूजन एज ऑफ नाउ। अब बात करते हैं कि सैमुअल हॉपकिन, जो सैमुअल हॉपकिन हॉपकिप जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने वाले एक इंसान थे, जिन्होंने सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत की रिलेशनशिप के ऊपर पर्दाफाश किया, वो सैमुअल हॉपकिप ने पवना फार्म हाउस या पवना जो बंगलो था सुशांत सिंह राजपूत का, उसकी डील करी थी 26 लाख के लिए, एंड दैट 26 लाख की डील थी वॉज फॉर 1 ईयर, मगर सुशांत को लगा इट इज फॉर 2 ईयर्स, ऐसा टाइम्स नाउ ने बोला। तो कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत वो सराउंडेड बाय पीपल जो उसे सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड मशीन की तरह यूज करना चाहते थे, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो उनके पूर्व दोस्त कम कोवर्कर्स हो। तो ये सैमुअल हॉपकिन का अगर करना सही है तो ही ऑब्वियसली यूज्ड सुशांत सिंह राजपूत यू नो मनी टू गेट द डील डन फॉर 1 ईयर, व्हेन सुशांत सिंह राजपूत वांटेड द डील टू बी डन फॉर 2 ईयर्स ऑफ दैट पवना फार्म हाउस और दैट बंगलो। ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर आई है। श्रुति मोदी जो सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर कम ड्रग प्रोक्योरर थी, उसके लॉयर अशोक सरोगी ने कहा है कि ये ड्रग पार्टीज में वन ऑफ द सिस्टर्स वाज आल्सो प्रेजेंट एज पर श्रुति मोदी। देखिए, अब यहाँ पर मैं ना सिस्टर्स को ब्लाइंडली बिलीव करूंगी, ना मैं फैक्ट्स को इग्नोर करने की कोशिश करूंगी। जो पॉइंट करते हैं ओवर द सिचुएशन दैट सुशांत सिंह राजपूत वॉज ऑब्वियसली एडिक्टेड टू ड्रग्स, मगर इन ड्रग्स का सेवन सुशांत सिंह राजपूत क्यों कर रहे थे? Was he force fed these drugs? And if he was addicted to these drugs, then why wasn't any medical help given to him in time? Because जब वो हिंदुजा हॉस्पिटल में भर्ती थे, तब करसी चावड़ा करके डॉक्टर ने कहा था कि he did not find सुशांत सिंह राजपूत suicidal, क्योंकि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को पूछा था, do you get suicidal thoughts? तो सुशांत सिंह राजपूत ने ना बोला था, ऐसा करसी चावड़ा ने खुद कबूल किया है। तो जब करसी चावड़ा जिसकी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, जिसके डायग्नोसिस के ऊपर ये सो कॉल्ड सिद्धार्थ पिठानी से लेके सब लोग क्यूटिपिन का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के अंदर, तो सुशांत सिंह राजपूत की ये ड्रग एडिक्शन को अगर सिस्टर्स जानते थे या नहीं जानते थे, आई रियली डोंट नो द ट्रुथ, बट इफ श्रुति मोदीज लॉयर इज स्पीकिंग द ट्रुथ, बिकॉज यहाँ पर आई हैव टू लिसन टू एवरीबडी, आई एम नॉट द कोर्ट ऑफ लॉ, आई एम नॉट द पुलिस, आई एम नॉट द सीबीआई, आई एम जस्ट एन इंडियन सिटीजन जो सुशांत सिंह राजपूत के मौत से बहुत अफेक्टेड थी एंड चाहती थी कि उसको जस्टिस मिले। तो अगर जिनको भी पता था कि सुशांत सिंह राजपूत को एडिक्शन हो गई थी टू इलीगल ड्रग्स, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो उसकी फैमिली हो, व्हाई डिडंट दे यू नो फोर्सफुली गेट हिम एडमिटेड टू अ रिहैब, फोर्सफुली गेट हिम एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल? एक्सक्यूज मी, रिहैब ना कोई बड़ी बात नहीं है। Shockingly, I have also been to a rehab near to my house, and that was done by me myself when I realized that my alcohol addiction is not decreasing. Ji ha, jab maine realize kiya ki meri alcohol addiction decrease nahi ho rahi hai and I have to get hold of my life, I got myself admitted into a rehab on my own. Because मुझे जीना था, I wanted to live for my family, I wanted to live for myself, I did not want Bollywood to finish me. तो मैं समझना चाहती हूँ कि अगर सुशांत सिंह राजपूत के एडिक्शन के बारे में फैमिली को पता भी था, सिस्टर्स वॉज अ पार्ट ऑफ दैट ड्रग
situation or that drug parties, if Shruti Modi's lawyer is speaking the truth, then why didn't anybody just admit him into a rehab? Kyun usko rehab mein admit nahi kiya gaya? Riya Chakravarti to baith ke uske videos shoot karti thi when he was intoxicated, when he was drugged out. To aise videos kyun shoot karti thi instead of helping him? Because aapka ye jo logic hai ki main videos aise hi shoot kar rahi thi, kyun shoot kar rahi thi? You were finding it cute that Sushant Singh Rajput was not in his senses. One side you were taking him to the doctor and the other side you were shooting these videos. Obviously these videos prove abetment to suicide because you did not get him help when he needed help. Instead you were giving him the thing that should have not been given to him, that is the illegal drugs. तो देखो सच क्या है ये तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन बताएगी, ना मैं बता सकती हूँ ना आप बता सकते हो. बहुत सारे थियोरीज थे सोशल मीडिया पे जहां पर हमको लगा कि ये फैक्ट्स पॉइंट टुवर्ड्स अ मर्डर आल्सो. जी हाँ, होमोसाइड का एंगल भी टाइम्स नाउ कि जर्नलिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं जैसे हम लोग कर रहे थे, क्योंकि उनके हिसाब से सुशांत सिंह राजपूत वेंट ऑफ द ग्रिड ऑन 13th of June एंड 14th of June वी फाउंड हिम डेड पब्लिकली. मगर 13th of June को क्या उनकी डेथ हो गई थी? आर द डोमेस्टिक हेल्प्स लाइंग? वी डोंट नो. बिकॉज देखिए दीपेश सावंत 11-12 बजे बैठ किसी कुशाल जवेरी या कोई डायरेक्टर को मैसेज कर रहा था अबाउट सम डील विद सुशांत सिंह राजपूत, हैड टोल्ड हिम टू चेक विद द डायरेक्टर एंड दैट इज व्हेन द डोर वाज नॉट बीइंग ओपन्ड बाय सुशांत सिंह राजपूत एज पर सिद्धार्थ पिठानी. तो हमें नहीं पता सच क्या है. सच तो हमें समय के साथ पता चलेगा जब सीबीआई हमें सच बताएगी. एम्स भी कंफर्म करने वाला है सुशांत सिंह राजपूत हैज बीन मर्डर्ड. मगर मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ लोगों से जो ऑब्वियसली दिशा सेलियन की डेथ के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं कि ये सब जो डेथ्स हुई, दिशा सेलियन की डेथ हो या सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो, इसके पीछे इफ देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी टू यू नो शील्ड द ड्रग माफिया इन बॉलीवुड और शील्ड समथिंग विच इज बिगर देन द ड्रग माफिया, देन दिस इज रियली रियली वेरी स्कैरी. बिकॉज हमें नहीं पता कि इन लोगों की जान क्यों गई इफ दे वर ट्राइंग टू प्रिवेंट some kind of big conspiracy from coming out. I really don't know because what actually transpired because of which they died, if it is a homicide angle. Because Riya Chakravarti ke baare mein Sushant Singh Rajput ke ek purane driver ne bhi bola hai ki Riya Chakravarti did not have car when she met Sushant Singh Rajput. Aur bologi usko chhodte the, wo riksha mein aati thi Sushant Singh Rajput ko milne ke liye. And Sushant Singh Rajput ko milne ke baad she bought a car. So obviously there has been a money laundering angle. There has been money gone from Sushant's account to various other accounts which have been accessed by Riya. Because jab Shruti Modi se bank accounts ke statements maange gaye, tab Shruti Modi ne Riya Chakravarti ko Sushant Singh Rajput ke samne khada kar diya. So everybody was using him like a credit card, whether it be Riya Chakravarti, whether it be Shruti Modi, whether it be that Samuel Hoakim. Kyunki वो ड्राइवर कह रहा था कि हरदम से यही बोला जाता था कि सर सो रहे हैं एंड रिया चक्रवर्ती इज मैनेजिंग ऑल फ्रंट्स. एंड रिया चक्रवर्ती डिड नॉट हैव अ कार, नॉट डिड शी ऑब्वियसली अर्न मनी बिकॉज नोबडी न्यू हर बिफोर सुशांत सिंह राजपूत डेथ फॉर हर टू बाय अ कार विच ऑब्वियसली शी मस्ट बी क्लेमिंग दैट इट इज हर हार्ड अर्न मनी. बट देयर आर लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज. हमें एक्चुअली नहीं पता सच क्या है जब तक सीबीआई हमें सच नहीं बताता. मगर शॉकिंगली मीडिया इज ऑब्वियसली कवरिंग न्यूज अबाउट रिया चक्रवर्ती गोइंग टू लू, रिया चक्रवर्ती नॉट बीइंग एबल to sleep, Riya Chakravarti eaten one roti, eaten one sabji. They are not obviously interested in the fact that yahan par Riya Chakravarti is an accused. She is somebody who shot videos of Sushant Singh Rajput when he was intoxicated, when he was drugged out instead of getting him help. And if the sisters knew about these drug parties, then they needed to take some action also against the situation that their brother was going through. Because yahan par dekhiye Bollywood baat kar raha hai about karma and patriarchy and all that shit. That is all nonsense. Because yahan par koi tarike se bhi Riya ka jail jana is not an example of patriarchy. Because Sameer Soni ne bhi kaha hai patriarchy is a very different social taboo jiske upar baat karna bahut zaruri hai. Magar Riya Chakravarti ke jail jane ko patriarchy se compare karna is diluting the cause of patriarchy. To the fight against patriarchy, diluting the cause of fight against patriarchy. Magar Bollywood ke feminists ko aapko pata hai kitne zyada dumb hai, unki buddhi ghutnon mein hai. They actually don't know what is even feminism and they don't even know what is patriarchy. To main itna hi kehna chahti hu ki I don't know what Shiv Sena was trying to hide, what Mumbai police was trying to hide, what Mumbai police was trying to hide. Because jis tarah se Kangna ke office ko attack kiya gaya, jis tarah se jo building jisme Kangna ka office tha, which was apparently bought from the partner of Sharad Kapoor, ye sab jo facts hai inke upar information hone ke bawajood uska office destroy kiya gaya, was this just a ploy to kind of divert the attention from justice for Sushant Singh Rajput? Because itne dino se hum bhi obviously nepotism
सेक्सिज्म के ऊपर, कंगना के ऊपर एंड बहुत सारे इश्यूज के ऊपर बात करने लगे विच वर नॉट कनेक्टेड टू जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत. तो मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहती हूँ बीएमसी से, बीएमसी आपने कंगना का ऑफिस डिस्ट्रॉय किया, विल यू डिस्ट्रॉय ऑल द इलीगल कंस्ट्रक्शन जो मंदिर मस्जिद के सामने की जाती है ओवर फेस्टिवल्स, चाहे वो ईद हो, चाहे वो गणपति चतुर्थी हो, चाहे वो नवरात्रि हो, बिकॉज आप एक हार्ड अर्न लड़की के ऑफिस के को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं साइटिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन. तो क्या आप रोड्स के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन होती है बाई शॉप्स एंड मंदिर एंड मस्जिद उसको डिस्ट्रॉय करेंगे? क्योंकि कोरोना के समय में आप ऑब्वियसली प्रोटेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट यू नो कंगना व्हेन बॉम्बे इज रिपोर्टिंग वन ऑफ द हाईएस्ट केसेस रिलेटेड टू कोरोना. अगर आप ये सब कर सकते हैं बिकॉज प्रोबेबली यू वॉन्टेड टू डाइवर्ट द अटेंशन एंड यू डू नॉट वॉन्ट द रियल इन्फॉर्मेशन टू कम आउट विच वॉज कनेक्टेड विद सुशांत सिंह राजपूत डेथ, बिकॉज मुझे नहीं पता कि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को क्यों डायल्यूट किया गया बाय द कंगना इशू and the whole destruction of her office issue, because that issue was wrong, that was unethically done. So hum logo ko bhi obviously dhyan us taraf gaya because we did not want her to go through this, and she went through this. Why? Because she spoke for Sushant Singh Rajput. So let's wait and watch ki sach kya hai, kyunki abhi tak koi authentic information ya confirmed information CI officials se nahi mili hai. AIIMS ke forensic board is conducting the viscera test in SSR case to check for poisoning aur iske upar report abhi tak aayi nahi hai. Aisa Dr. Sudhir Gupta, head of forensic department at AIIMS and chairman of medical board has informed. So let's wait and watch ki kya information aati hai in coming days, because now Kangana has gone back and obviously Jaya Bachchan ka drama bhi humse dekh liya, jis tarah se usne drama kiya in parliament to kind of divert the attention and not talk about the drug mafia jo Bollywood se juda hua hai. There is some woman called as Anandi Dhawan. Now this Anandi Dhawan ke upar koi information media ne nahi di hai. Media stop talking and covering about Riya Chakravarti and her jail activities. Give us information about Anandi Dhawan. Who is Anandi Dhawan? Why is she missing? Kyunki apparently she was a member of Sushant's team and kaha jata hai that she was at Disha Salian's party the day she died. Anandi has been missing and this makes us question if one of the two bodies which was found at Sushant's house or which was taken to Kupo Hospital was her or not. Ab mujhe nahi pata if this information is correct or wrong and who is Anandi Dhawan, but let's find out who is Anandi Dhawan, because she is the person who might be connected to Disha Salian's death and Sushant Singh Rajput's death. So let's wait and watch ki humko CBI kya information deti hai, because CBI is not going to be affected by the Kangana issue and the Shiv Sena issue. CBI independently Sushant Singh Rajput ki death ko investigate kar rahi hai and I hope that they give us some official statement regarding that soon. तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय.